अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और अभी शाम की रूटीन है, शाम हो चुकी है, अभी बज रहे हैं शाम के तकरीबन 6:15 और शाम की चाय मैं भी पी चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी पी चुके हैं और अभी धोने लगी हूँ मैं शाम के बर्तन और साथ में खाने की तैयारी। अब्दुल हादी की थोड़ी तबीयत अपसेट है तो उसके लिए बना रही हूँ मैं चिकन का सूप, यखनी बना रही हूँ और दोपहर में बनाए थे मैंने राइस और अभी बनाने लगी हूँ मैं। फ़िलहाल तो करूँगी पहले यहाँ से पूरी सफाई, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, सारे किचन की सफाई करूँगी, फिर उसके बाद में दिखाती हूँ आपको मैं क्या सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। चलें फिर मिलते हैं बर्तन वॉश करने के बाद। और जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल नहीं चाहता। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अब मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, सालन बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी बनाना सोचा है पालक और ये भिस, इसको भे भी बोलते हैं और भिस भी बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। लेकिन इसका सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है कैसे ये मिट्टी निकालना, कि जब बनाएं तो मुँह में मिट्टी नहीं आए, मिट्टी का टेस्ट ना आए और ना खाते वक्त किसी किस्म की कोई जो है तकलीफ आए। तो सबसे मुश्किल पार्ट इसका है कि इससे मिट्टी निकालना और बहुत ज़बरदस्त बनती है सब्ज़ी भी। तो आज बना रही हूँ पालक और भिस, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो बस मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरीके कार से मैं ये भिस और पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ। सबसे पहले मुश्किल मरहला इसको वॉश करने का है। चलें इसको वॉश करते हैं, आ जाइए। ये मैंने इसको सिंक में डाल दिया है, देखेंगे वॉश कर रहे हैं इसको मैं। ऐसे टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि इसको अच्छे से मल मल के निकालना होता है। एक हाथ में मैंने पकड़ा है मोबाइल और एक हाथ से वॉश कर रही हूँ, तो इनको वॉश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये कर चुकी हूँ मैं अच्छे से वॉश, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो ये पार्ट कट होगा इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है सारा अल्हम्दुलिल्लाह से। और बहुत मेहनत लगी मुझे, पसीने तक आ गए इसको वॉश करने में, क्योंकि मिट्टी में लिथड़ी हुई थी, भरी हुई थी, फुल मोटी मोटी मिट्टी के अंदर ये कवर थी। और इसको मिट्टी में ही कवर करके रखा जाता है ताकि ये फ्रेश रहे, वरना अगर बग़ैर मिट्टी के रखेंगे तो ये सूख जाती है और सूखने के बाद हो जाता है ये ख़राब, बेकार हो जाती है। इसलिए इसको मिट्टी में रख जो है कवर करके मिट्टी में अच्छे से रखते हैं और मिट्टी को गीला गीला थोड़ा सा पानी से गीला करते रहते हैं सब्ज़ी वाले, ताकि ये हमारी फ्रेश रहे बिल्कुल। और अब आती है पालक की बारी। पालक जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए, बहुत ज़्यादा है, 4 किलो तो हो गया, इतनी ज़्यादा का क्या करना है। तो अब मैं ऐसा करूँगी जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं कट करूँगी, बाकी जो है रख दूँगी, फिर पूछूँगी क्या करना है क्या नहीं, अगर किसी को भिजवानी है तो फिर भिजवा देंगे, ताकि किसी के यूज़ में आ जाए, सब्ज़ी ज़ाया ना हो। तो बस अब इसको कटिंग करूँगी, कटिंग करने के बाद इसको वॉश करूँगी, फिर पे इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। चलें इनके लिए मसाला तैयार करते हैं और पालक को कट करते हैं। पालक को कट करने के बाद आपसे मिलते हैं। और अभी कटिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और मुझे कैमरा मैन भी मिल चुका है, शुक्र है फाइनली कैमरा मैन मिला मुझे। तो बस अभी इसको सब्ज़ी को कट कर रही हूँ मैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। कटिंग के लिए मैंने कटिंग बोर्ड मेरे पास नहीं है तो मैंने लिया है जिस पर रोटियाँ बनाते हैं, रोटी बनाने वाला, वो मैंने लकड़ी का ले लिया है, क्योंकि मैं रोटियाँ बनाती हूँ स्लैब पर, इस पर रोटी नहीं बनाती हूँ, मुझसे इस पर रोटी बनती भी नहीं है। तो बस इसको मैंने कटिंग के लिए रखा हुआ है, कि इस तरह की कोई सब्ज़ी वगैरह जैसे सर्दियों में साग या गाजर या मेथी मुझे कट करनी हो, या धनिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, प्याज मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कट करनी हो, तो फिर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। बस अब यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी, और छुरी मेरी बहुत जो है नाकारा सी है, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ। खैर इसी के साथ कटिंग चल रही है मेरी, और इनको मैं हल्का हल्का सा छिलका उतार चुकी हूँ। और यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया, एक बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया स्लाइसिस में। और ये पालक है, पालक को वॉश कर, अभी मैंने पालक वॉश नहीं किया तो मैंने कहा कि पहले मसाला तैयार करती हूँ और इनकी कटिंग करती हूँ, साथ में मसाला इधर तैयार होता रहेगा।
और मैं तब तक पालक वॉश कर लूँगी। और मैं सालन बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है इनको गलने में, तो ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। और जब टेंडर होते हैं बहुत ज़बरदस्त, जब बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, तो चले इनकी कटिंग करते हैं और मसाला तैयार करते हैं, साथ में पालक को वॉश करते हैं। आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो में, चलें जी। और ऑयल इसमें मैं डाल चुकी हूँ, अब इसमें शामिल करूँगी मैं ये प्याज, जो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कट किया था स्लाइसिस में, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ और अब इसको बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियम फ्लेम पर हम इसको करेंगे फ्राई। जब तक प्याज फ्राई होंगे मैं अपने बीज को कट कर लूँगी पीसेस में, और इसके बाद फिर पालक वॉश करूँगी। बस मेरा तरीक़ेकार ये है कि साथ साथ सब्ज़ी तैयार करती रहती हूँ, मसाला तैयार करती रहती हूँ, सब चीज़ें साथ भी नहीं तैयार करके रखती। कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें कट करके रख लेती हूँ और जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं साथ के साथ चीज़ें तैयार करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और प्याज फ्राई करने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस अभी प्याज फ्राई होंगे और मैं करूँगी फिश की कटिंग, कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज है यहाँ पर तैयार, फ्राई कर रही हूँ प्याज को। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है इनकी इस शेप में, थोड़ा सा मोटा रखा है मैंने, इस शेप में रखा है। और अभी से देखिए इसका बाल निकल रहा है, ये देखिए ये इसका भी इसका बाल है जो मुझे बहुत पसंद है। इस तरह मैंने इनको कटिंग कर लिया है और मसाला तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है आप देख सकते हैं। वालेकुम आयुष्य फैमिली, आप लोग कैसे? मैं भी बिल्कुल, आप लोग कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप, मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ मेरे स्टडी से, लेकिन मेरी अभी थोड़ी सी रहती है, मैं बिल्कुल थक गई थी। ओए बताओ तो। मैं थक गई थी तो मैं काफ़ी से आप लोगों से मिलती हूँ, मुलाकात करती हूँ, और इसी साथ इसी बात के साथ साथ आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, छोटी अभी सामा इतना मतलब नहीं है इसको इन चीज़ों का सेंस। और यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है, प्याज हो चुके हैं मेरे रेडी, तो बस अभी मसाला में टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर प्याज का जैसे मसाला बनाया जाता है, आपकी मर्ज़ी इस तरह बना लें, या आपकी मर्ज़ी के टमाटर सिर्फ प्याज के साथ जो है आप इसको फ्राई कर लें बिस्क को तो। लेकिन मेरा तरीक़ेकार ये है कि पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी यहाँ पर, जैसे आपको नज़र आ रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और वहाँ पर मम्मा पालक काट चुके हैं, यहाँ पर भीड़ है और मुझे हर एक सब्जी बहुत ही पसंद है, और ये सब मेरी आई लाइक दिस, ये सबसे ज़्यादा पसंद है जो मम्मा ने मेरी फरमाइश पर बनाई है, ये चीज और पालक मेरी फरमाइश पर बना रही है मम्मा। जब ये पालक वॉश कर रही हूँ और अभी मेरी मम्मा पालक वॉश कर रही है। अच्छे से वॉश कर रही है मम्मा पालक, अरे मेरा चुनी भी रखी है, ये यहाँ पर धो रही है मम्मा। तो जब मम्मा धो लेंगे सारे फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह। और कैमरामैन जा चुका है क्योंकि उसे ब्रेक मिला था थोड़ा सा पढ़ाई से। यहाँ मैंने पानी डाल लिया है कढ़ाई में पालक को बॉईल करने के लिए, पालक को करूँगी बॉईल। और ये पालक बॉईल करूँगी अच्छे से, मैंने इनको वॉश किया है दोनों पालक को, दो टोकरी में डाल के इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, और साथ में मसाला तैयार हो रहा है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसी टाइम पर आकर मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपने बेस, ये देखो हो रह गई बड़ा सारा पीस, चलो इसको भी कट करते हैं। और अब इसको मैं कर लूँगी फ्राई, ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं डाल चुकी हूँ, और टमाटर प्याज है इसमें, मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसके पीसेस करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और पालक को कर दूँगी मैं कवर ताकि ये बॉयल हो जाए, उबल जाए। और यहाँ पर देखिए तैयार हो चुकी, फ्राई कर चुकी हूँ इसको भी, और एक फ्राई करेंगे और इसमें शामिल करेंगे मसाले वगैरह। मसाले वही सिंपल थे, नमक मिर्च हल्दी वगैरह ये भी शामिल करूँगी, ज़्यादा मसाले नहीं हम इसमें शामिल करेंगे।
तो अभी डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि पालक जब इसमें हम शामिल करेंगे तो पालक में जो है पहले से ही नमक नमकीन होती है, आयरन होता है, तो नमक इसमें मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया। और हल्दी शामिल करूंगी चौथाई चम्मच, और यहाँ मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ी सी हल्दी चौथाई चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, ज़्यादा नहीं शामिल करूंगी। और अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई, तो बस जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा पानी भी डालूंगी इसमें ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। तो सुबह नाश्ते के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ब्रेड, तो इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में हम लोग खाएंगे ब्रेड, या देखें क्या खाते हैं। फिलहाल तो अभी नाश्ता बहुत जोर है, अभी तो बन रहा है रात का खाना ही बन रहा है, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। बस अब क्या करूँगी इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल करने के लिए रख दिया। देखें ओहो बॉईल भी होना शुरू हो चुकी है पालक यहाँ, और यहाँ पर ये जब ये तैयार हो जाएगा फिर इनको मसाले में मिक्स करेंगे। आप चाहें कोई चाहे तो इसको ऐसे ही फ्राई करके गला के इसको, और फ्राई करके भी आप खा सकते हैं ऐसे अलग से ही, लेकिन क्योंकि मुझे पालक और भी इसका सालन बनाया तो मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। तो बस अभी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके और इसको कुकर लगा दूँगी, सीटी लगा दूँगी। और सूप रेडी हो चुका है, रेडी कर चुकी हूँ सूप। आप कहेंगे कि वीडियो के स्टार्ट में तो दिखाया था लेकिन मैंने नहीं दिखाया जी। सूप हो चुका है रेडी, और सूप बनाया है मैंने पैकेट वाले सूप से। वैसे तो मैं खुद ही बनाती हूँ लेकिन आज टाइम कम था मेरे पास, तो कनौर वालों का सूप का पैकेट ले आई हूँ। सबको ही मालूम होगा इसके बारे में, तो वो मैंने पानी में, गर्म पानी में इसको जो है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का सा नीम गर्म पानी में साशे को मिक्स करके और डाल दिया था यखनी में मैंने, तो बहुत ज़बरदस्ती सूप की खुशबू भी आ रही है, सर्दियाँ याद आ गई। और यहाँ पे भीस गल रही है, सीटी लगी हुई कुकर में जो आपको नज़र भी आ रही होगी। और यहाँ सूप में गर्म करी, अभी अब दुलादी को सूप लाऊँगी, और इसी के साथ पालक भी तैयार है बॉयल होकर। तो बस अब इसको शामिल करेंगे इसमें, चेक किया था तो अभी थोड़ी सी ये नहीं गली है, इसको दोबारा हम दम लगा देंगे। और यहाँ पर जो है पालक फल चुकी है, पालक को मैंने निकाल भी ली है टोकरी में, कैसे धुआं उठ रहे हैं ज़बरदस्त से। तो बस अब इसको दोबारा से दम लगाऊंगी 5 मिनट का, गल जाए फिर मैं इसमें पालक शामिल करूँ। मैं बना रही थी खाना, सलामा को भी पढ़ा रही थी, अब्दुल हादी को मिल गया मौका शरारत करने का, तो उसने क्या किया कि पूरा पाउडर गिरा दिया, अपनी पूरी वाकर भर दी है इसने पाउडर में, नीचे भी गिराया है देख सकते हैं आप। अब गुस्सा करूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखिए कितना मतलब फुर्सत के साथ, और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है, इसमें इसको घंटों नहीं चाहिए होते। जिनके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं उनको पता होगा कि उनको शरारत के लिए घंटों नहीं चाहिए होते, बस सेकंड्स या मिनट्स दरकार होते हैं। और ये देखें पूरा फुर्सत के साथ पाउडर गिरा है, मतलब काम बढ़ गया है। मैं जितना बचती हूँ कि काम का फैलावा ना हो उतना मेरे लिए हो जाता है। अभी अब्दुल हादी को भी दिखा दिया, हादी आओ, हादी आओ। अच्छा ये देखें अब्दुल हादी खुद भी गंदे हो गए, पूरा कपड़ों पे, हेयर्स में, देख रहे कैसे हो रहा है। तो बस थोड़ी सी बिजी हो जाए तो बस बच्चों के नुकसान शुरू हो जाते हैं। चलें समेटते हैं, क्या करें, समेटना है और क्या करना है। और बिस कदम खोला है, गल चुके हैं, अभी आपको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ, छोटा सा पीस है ये, इसी को ट्राई कर लेते हैं। देखें आराम से टूट गया है, तो बस अब इसको फ्राई करने के बाद जो है इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ पालक। पालक शामिल करके इसके अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। देखिए पालक शामिल कर चुकी हूँ इसमें, एक हाथ से मैंने मोबाइल हैंडल किया हुआ एज यूजल, क्योंकि मेरा कैमरामैन पढ़ रहा है और जब मेरी बेटी पढ़ रही होती है सलामा तो फिर मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती कि दिमाग उसका माइंड जो है फिर चेंज ना हो जाए पढ़ाई से, तो इसलिए खुद ही सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मिक्सिंग कर रही हूँ, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है दोबारा फिर से दम लगा देंगे ताकि जो है मज़ीद गल जाए अच्छे से, जो थोड़ी बहुत कमी बेची है
वो पूरी हो जाए। और रोटी भी बना चुकी हूँ, बस अब फाइनल सालन को करूँगी। फाइनल आपके सामने इसको मैं खोलने लगी हूँ। सालन को होता ही है कि वीडियो भी खुद बनानी होती है, मुझे एक हाथ से वीडियो बनानी होती है और एक हाथ से चीज़ें मैनेज कर रही होती, तो बस कभी कभी मिस मैनेजमेंट हो जाती है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी है। अब इसको मज़ीद फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें जो पानी नज़र आ रहा है ये खुश्क हो जाए। और इसमें धनिया भी शामिल कर चुकी हूँ और हरी मिर्च भी, और ज़बरदस्त सा सालन बनकर तैयार है, माउथ वाटरिंग। तो बस इसको मैं ज़रा सा फ्राई और करूँगी ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इन लोगों में खुद ये पड़ो लफ्ज का लिखा हुआ है अलिफ इन, इन है यही क्या बना इन्हीं ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इन्हें तेरी आयत की क्या ये जमा है, आयत एक होती है और आयत बहुत सारी, ठीक है, आयत सुनाए इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। आगे पढ़ो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और पेशे खिदमत है फाइनल लुक, ज़बरदस्त सा आपको नज़र आ रहा है। धोए उठते गर्मा गर्म सालन मज़ेदार से तैयार है। इसको आप रोटी से खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, दोनों के साथ अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सवामा ट्राई कर रही है। सवामा ने कहा मामा मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि पालक जो है अल्हम्दुलिल्लाह से सवामा को बहुत पसंद है। तो जी बस सवामा ट्राई करती हैं, ये बताएँगी कैसा बना है। चले जी, सवामा ने कर दिया थम्स अप, इट मीन्स के बहुत ज़बरदस्त सा बना है। तो जो है बस इसी के साथ जो है मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आज की ब्लॉग और वीडियो को यहीं पर अपना एंड करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह से। खाना मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा ज़बरदस्त याद रखिए मुझे आ रही है। और जाते जाते रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ सपोर्ट करें तमाम देखने वाले। थोड़े से मैंने राइस बना लिए, रोटियाँ बनाई करें, मैं अब्दुल हादी और सलाम करें अल्लाह ने खाना और बहुत ज़बरदस्त बना। सब्सक्राइब करें, लिखने में लगा तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको और अब सलाम अच्छे अच्छे से नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे की तमाम वीडियो ऐसा बना है। कोई वीडियो आपसे रहना है कितना हो जाए, ज़बरदस्त बना है। मामा ने खाना कर दिया है, खाना खा रहे हैं थम्स अप। और तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की रूटीन।